हेलो गाइस, मैं जितेंद्र शर्मा अड्डा 24x7 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। और प्यार दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज करने जा रहे हैं। ऑल इंडिया लेवल पर मॉक टेस्ट है, लगभग लगभग गाइस मांगे चलिए 50 से 60 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखेंगे तब जाके आपको अपने लेवल का पता चलेगा कि यस आपकी तैयारी कहाँ पर चल रही है। तो प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है? विच नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें, क्या उत्तर है आपका? प्रयास सब लोग करिएगा इस, फटाफट जवाब दीजिए, क्या उत्तर है आपका? कोशिश करेगा इस, फटाफट जवाब दीजिए। खेसारी लाल जी, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल सही, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अभी हाल ही में यूनेस्को के राष्ट्रीय उद्यान में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन गाइस, ये रहा आपके सामने। 2021 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रवक्ता कौन रहे? क्रिस्टिना लेगार्ड, गैरी राइस, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, इनमें से कोई नहीं। जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें, क्या होता है गाइस? फटाफट जवाब दीजिए, क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? प्रयास करते चलिए। प्यारे सर, अच्छा ठीक है भाई, हिमांशु जी थैंक यू, आप लोगों ने इतना प्यार दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बनाएं 2021 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रवक्ता कौन रहे हैं? बिल्कुल सही गाइस, आंसर इज गैरी राइस इज द राइट आंसर, गैरी राइस इज द राइट आंसर। भाई गलत नहीं करिए, कोशिश करते चलें, अटेम्प्ट लेते चलें, जवाब देते चले गाइस। सर नाम बोल दो एक बार, देवेंद्र कुमार जी, देवेंद्र कुमार जी नाम में कुछ नहीं रखा है, कर्म में रखा है, कर्म करते चले, सफलता आपके कदम चूमेगी। चले अगला क्वेश्चन गाइस, निम्न में से किस सागर में माल्टा अवस्थित है? बताएं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज माल्टा लोकेटेड? बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, उत्तरी सागर। और माल्टा की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी याद रखिएगा, इसकी राजधानी गाइस, इसकी राजधानी वेलेटा है, वेलेटा इज द कैपिटल ऑफ माल्टा, ठीक है। और कहाँ पर है? तो बिल्कुल सही, भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी में स्थित है। कौन सा देश? माल्टा देश भूमध्य सागर में स्थित है, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महेंद्र जी का स्वागत करें सब लोग। पर्यावरण को बचाने के लिए हम किसका इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा? टू सेव द एनवायरमेंट हु डिड वी नीड टू स्टॉप यूजिंग? क्या होता है गाइस? कपड़ा, प्लास्टिक, लकड़ी, टिन। जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें, क्या होता है आपका? पर्यावरण को बचाने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? बिल्कुल सही, प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, पर्यावरण अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। मेरे दोस्त, प्लास्टिक सबसे खतरनाक डायमेंशन है जिसे रोकना ही पड़ेगा इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। गाइस अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? बताएं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज क्लोजेस्ट टू द इंटरनेशनल डेटलाइन? इंटरनेशनल डेटलाइन 180 डिग्री की है, याद रखिएगा 180 डिग्री के इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है। इसके सबसे नजदीक कौन सा है? तो बेरिंग जलसंधि, फ्लोरिडा जलसंधि, डेविस जलसंधि और साथ साथ में जिब्राल्टर जलसंधि। जवाब दीजिए, क्या उत्तर है आपका? भाई प्रयास करते चलिए, बिल्कुल सही, डेविस इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। नहीं, डेविस नहीं है आंसर, बेरिंग स्ट्रेट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बेरिंग स्ट्रेट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, बेरिंग स्ट्रेट जो है 180 डिग्री के सबसे नियरेस्ट है, सबसे नियरेस्ट है, याद रहे। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन को अगला सॉल्व करने से पहले हम ये बता दें कि डेविस स्ट्रेट की बात करें तो गाइस, ये गाइस डेविस स्ट्रेट कहाँ पे है? तो ये कनाडा में है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, डेविस स्ट्रेट कनाडा में है, कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करता है, ये भी याद रखिए, कनाडा और ग्रीनलैंड, याद रखिए, ग्रीनलैंड को अलग करता है। और ये ग्रीनलैंड की बात करें तो ये डेनमार्क के पास है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और जिब्राल्टर स्ट्रेट की बात करें तो ये यूरोप और एशिया को अलग करता है, यूरोप और एशिया नहीं बल्कि अफ्रीका का, ये यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, कौन सा? तो आपका जिब्राल्टर स्ट्रेट, बिल्कुल सही गाइस। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस देश में विश्व की पहली जहाज सुरंग का निर्माण होने जा रहा है? बताएं, ये सीधे कल भी क्वेश्चन पूछा था मैंने करंट अफेयर्स में, आपसे फिर से पूछ रहा हूं, इन विच कंट्री द वर्ल्ड फर्स्ट शिप टनल इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड? जवाब दें, प्रयास करें, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड, क्या होगा दोस्तों? प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लीजिए, क्या उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? जहाज सुरंग का निर्माण करने जा रहा है, कोशिश करिए गाइस, फटाफट, बिल्कुल सही, नॉर्वे इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, नॉर्वे इज द राइट आंसर। और नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो ओस्लो है, ओस्लो इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे,
इसको याद कर लीजिए, घोंट करके याद कर लीजिए, क्योंकि अब ये पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलेगा इस अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक ग्रीन हाउस कितने समय तक चलते हैं, प्लास्टिक जो है वो कितने समय तक चलते हैं, हाउ लॉन्ग टू प्लास्टिक ग्रीन हाउस लास्ट। जवाब दें दोस्तों। हिमांशु भाई नॉर्वे है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है, गलती मत करिए बेटा, जवाब सही से दीजिए। चले, नेहा गुप्ता का बी आ रहा है और सौरभ का आंसर बी आ रहा है, यश का आंसर बी आ रहा है और रंजू गोंड का आंसर बी आ रहा है, मोनोलिसा का आंसर ओस्लो। बिल्कुल सही बेटा, प्लास्टिक ग्रीन हाउस तो बिल्कुल सही, चार साल टिक कर दीजिए, फोर ईयर्स इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। और अंजलि यादव का स्वागत करें, दो दिन से अंजलि यादव क्लास नहीं ले रही है, इसने पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब कर रखा है, पता नहीं कहाँ कहाँ पे घूम रही है। चले, निम्नलिखित जलडमरू मध्य में से एक किस्में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, बताएं यूनाइटेड किंगडम फ्रांस को जोड़ने वाली कौन से जलडमरू मध्य, देन यू कैन से डैट गाइस यहाँ पर स्ट्रेट्स है, बता दीजिए कौन सा स्ट्रेट है जो यूनाइटेड किंगडम फ्रांस को जोड़ता है, डेविस स्ट्रेट, डेनमार्क स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट। जवाब दें, जिब्राल्टर स्ट्रेट की बात करें तो भाई ये मेडिटेरियन से याद रखिएगा, मेडिटेरियन सी के साथ ये गाइस मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशन याद रखिएगा, अटलांटिक ओशियन को जोड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। डोवर स्टेट की बात करें तो बिल्कुल सही गाइस, डोवर स्टेट फ्रांस और ब्रिटेन को अलग करता है, याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और डेविस स्टेट मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि भाई डेविस स्टेट जो है ग्रीनलैंड को डेनमार्क से अलग करता है, बिल्कुल सही गाइस। अगला क्वेश्चन गाइस, वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती, अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती, बताएं असम, नागालैंड, भूटान और म्यांमार, मणिपुर। जवाब दीजिए गाइस, इसका तो आपका प्रयास करेगा, क्या आंसर है आपका, कोशिश करें, किसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती, जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें, क्या उत्तर है आपका। बिल्कुल सही गाइस, मणिपुर से नहीं लगती भाई, मणिपुर जो है बहुत दूर दूर तक नहीं है, ठीक है, तो मणिपुर की सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, याद रहे। सर नाथ जियो पढ़ रही हूँ, दिन रात जियो पढ़ रही हैं, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायमेटिना गर्त स्थित है, बताएं, क्वेश्चन कह रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस इज द डायमेटिना ट्रेंच लोकेटेड, क्या उत्तर है दोस्तों, प्रयास करिए, क्या आंसर है आपका, डायमेटिना गर्त कहां पर लोकेटेड है, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें, क्या उत्तर है आपका, जवाब दीजिए गाइस। बिल्कुल सही, हिंद महासागर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, याद रखना। और इन चारों में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो याद रखना सबसे बड़ा महासागर यही प्रशांत महासागर है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, प्रशांत महासागर वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ओशियन है, याद रखना। निम्न में से अग्निशमक के रूप में किसका गैस का उपयोग किया जाता है, बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, बताइएगा इसका तो आपका फ्रॉम जवाब दीजिए, यानी जो अग्निशमक जो होता है जो आग बुझाने का जो काम करती है उसमें हम किस गैस का प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं, बताएं क्या होता होगा गाइस। प्यारे दोस्तों देखिए 11 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा जिसने अब तक टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर नहीं किया है तो भाई लाइक तो करना ही करना है, और अगर आप में से किसी बच्चे ने अब तक शेयर नहीं किया है तो भाई फटाफट शेयर करते चलिए, जबरदस्त क्लास है गाइस, हम लोग शेयर करते चलें, लाइक एंड शेयर करते चलें, और जो हमारे साथ लास्ट तक टिका रहेगा गाइस यकीन माने सफल होकर आएगा कंफर्म, बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन गाइस कह रहा है निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी, बताएं स्थानीय स्वशासन पूछ रहा मेरे दोस्तों, कह रहा सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत किस वायसराय के समय में, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड कर्जन, जवाब दीजिएगा इसका उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत किस वायसराय के समय में किया गया था, बता दीजिए दोस्तों क्या उत्तर है आपका। आप कैसे हैं सर, मैं अंजलि जी मैं बहुत अच्छा हूँ, दिन रात आप लोगों के लिए PPT बनाता रहता हूँ और आप लोगों के लिए क्लास लेता रहता हूँ, बस यही काम है हमारा, बताएं बिल्कुल सही गाइस, बी इज द राइट आंसर, लॉर्ड रिपन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन गाइस, व्यास सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताएं व्यास सम्मान पूछा जा रहा है आपसे, फटाफट जवाब दीजिए, व्यास सम्मान अवार्ड इज गिवन टू इंडिविजुअल रिलेटेड टू विच फील्ड, क्या होता है गाइस, जवाब दीजिए दोस्तों, खेल कूद, साहित्य, फिल्म उद्योग एंड इंजीनियरिंग, क्या होता है दोस्तों,
फ्रॉम गाइस जवाब दीजिए, क्या उत्तर होगा आपका? बिल्कुल सही गाइस, साहित्य इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, लिटरेचर में व्यास सम्मान दिया जाता है, बिल्कुल सही है। गाइस एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का कितना समय अंतराल होता है? बिल्कुल सही गाइस, बता दीजिए क्या उत्तर है आपका। बिल्कुल 4 मिनट इज द राइट आंसर। अब देखिए, जब अर्थ रोटेट करता है, जब अर्थ रोटेट करता है तो 360 डिग्री रोटेट करता है, 1 डिग्री रोटेट करने में आपको 4 मिनट लगते हैं, तो 360 × 4 तो 1440 मिनट। इस मिनट को डिवाइडेड कर दीजिए 60 से, तो कितना घंटा हुआ? 24 घंटे आ गया ना, कैलकुलेशन समझ में आया? 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट लेता है, तो 360 × 4 1440 मिनट, मिनट को आवर्स में बदलना है, डिवाइड बाई 60 24 घंटे। आई होप यू अंडरस्टैंड, यानी 24 घंटे में पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन गाइस, निम्न में से किस वायसराय के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु पारित किया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास टू बी बैन न्यूज़पेपर्स? जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें, क्या होता है आपका? सर आपने ग्रुप ओपन कर दिया, शेयर कैसे करूं? अरे ग्रुप ओपन है भाई, अरे ग्रुप ओपन है, ग्रुप ओपन है, ओपन है, शेयर करिए, आराम से करिए, ग्रुप मैंने ओपन कर रखा है ऑलरेडी। अरे भाई, और देखो सारे बच्चे कर रहे हैं, अंजलि सब बच्चे कर रहे हैं, तुम ही नहीं करती हो। चलो जवाब दीजिए क्या उत्तर है आपका। देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए पारित किया गया था, तो बिल्कुल सही गाइस, लॉर्ड लिट्टन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, लॉर्ड लिट्टन के समय में पास किया गया था, याद रखना, ठीक है। और रोक किस पे लगाई गई थी? तो रोका था किसने? लॉर्ड रिपन ने रोका था। बिल्कुल सही गाइस, बहुत सही दोस्तों, बहुत अच्छा अटेम्प्ट ले रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल सही गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति, बताइए तंजानिया कहां पर है? तंजानिया है कहां पे दोस्तों? तो तंजानिया आपका अफ्रीका कंट्री है, अफ्रीका कंट्री है, याद रखना। और इसकी सबसे ऊंची, यहाँ अफ्रीका कंट्री है तंजानिया, और तंजानिया की राजधानी डडोमा है। क्या राजधानी गाइस? डडोमा इज द कैपिटल ऑफ तंजानिया। और इसी तंजानिया में गाइस माउंट किलिमंजारो, याद रखना, माउंट किलिमंजारो, किलिमंजारो दोस्तों, माउंट किलिमंजारो इसी तंजानिया में लोकेटेड है, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है। चले गाइस अगला। अच्छा हाँ, यहाँ बनी कौन सी? बिल्कुल सही, बी सामिया सुलू हसन बनी है, सामिया सुलू हसन बनी है, बिल्कुल सही। सीएम का आंसर बिल्कुल सही है, अनीता शर्मा का बिल्कुल सही है, शुभम रॉय ने बिल्कुल सही दिया, सौरभ भारती का भी जवाब बिल्कुल सही है, सुमित तिवारी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, और गुल्लू बाबू का भी जवाब नहीं आया, और कमलेश विश्वास का डडोमा बिल्कुल सही बताया आपने, और गाइस यहाँ पे तान्या श्रीवास्तव का भी आ रहा है। तो गाइस बताएं, भारत का सबसे बड़ा ज्वर नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? बताएं, द लार्जेस्ट एस्चुरियन माउथ ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट द माउथ ऑफ विच रिवर? जवाब दीजिएगा इसका, तो आपका प्रयास करें गाइस, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, क्या उतरना चाहिए? शासन बताइए, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी जवाब दीजिए दोस्तों, क्या उतरना चाहिए? और शासन में जवाब दीजिए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये भी जवाब दीजिए। और वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? ये भी जवाब दीजिए, वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? बताएं, इसका आंसर तो हुगली हो गया भाई, बिल्कुल सही है। और इन तीनों का आंसर कौन सा हो गया? तो गोदावरी हो गया दोस्तों, याद रखिए गोदावरी। कई बार करा चुका हूं आपको कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की गोदावरी, और वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी, याद रखना दोस्तों। और इस गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और सबसे बड़ा ज्वर नदमुख का निर्माण करती है कौन? हुगली नदी करती है, नोट कर लीजिए। और कृष्णा की बात करें तो भाई महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर याद रखिएगा, महाबलेश्वर से निकलती है। भागीरथी कहाँ से निकलती है? तो भागीरथी गंगोत्री से निकलती है, याद रखिएगा, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है कौन? ऐसे आपकी भागीरथी। और गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी निकलती है त्रिंबक प्लेटू, याद रखिएगा, त्रिंबक के पठार से, त्रिंबक प्लेटू से निकलती है कौन? गोदावरी नदी, प्यारे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? बताएं, हु वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ महाराजा रणजीत सिंह? बताएं, फकीर अज्जुद्दीन, दीनानाथ, चतर सिंह एंड कपूर सिंह। जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करिए, क्या उत्तर होगा आपका? बताएंगे इसका उत्तर आपका, जवाब दीजिएगा इसका उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग भाई, प्रयास करते चलें, कोशिश करते चलें, जवाब देते चलें प्यारे बच्चों, क्या होता है गाइस?
कौन थे रणजीत सिंह के वित्त मंत्री भाई? फकीर अज्जुद्दीन दीनानाथ चतर सिंह कपूर सिंह, बिल्कुल सही। दीनानाथ इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। दीनानाथ जो थे महाराजा रणजीत सिंह के एज ए वित्त मंत्री के रूप में स्थापित थे। नहीं भाई चतर सिंह, अरे भाई चतर सिंह कैसे कर दिया, अरे बाप रे बाप। ये देखो सब लोग ने एक ने पकड़ा और सब ने वही जवाब देना शुरू कर दिया। चलिए गाइस, गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान किस देश से संबंधित हैं? भाई ये क्वेश्चन अब तक पूछा नहीं गया था सीएचएसएल में। याद रखिए सीएचएसएल का अगर पेपर होता है 2021 में या सीजीएल का पेपर होता है 2021 में, तो प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन पूरी संभावना रहेगी कि आपके एग्जाम में फंस जाए, ठीक है। तो इसे याद करके जाना है अच्छी तरह से। बिल्कुल सही, बांग्लादेश है और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और इसकी करेंसी क्या है? टका है। ये भी याद रखिएगा, टका इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश एंड ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, याद रखिएगा ध्यान से। गाइस अगला क्वेश्चन, गाइस निम्न में से कौन सी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? यानी ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बताइए, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा। जवाब दीजिए गाइस, बिल्कुल सही गाइस, डी इज द राइट आंसर। बेतवा नदी की बात करें तो ये रायसेन से निकलती है, रायसेन याद रखिए, रायसेन से निकलती है। और रायसेन कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में है, क्लियर। और बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी है, याद कर लीजिए, चंबल की, चंबल बेतवा केन, चंबल नहीं, माय मिस्टेक, ये बेतवा जो है आपके सीधे सीधे देखा जाए तो यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है कौन? बेतवा, ठीक है, याद कर लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। और गोदावरी की बात करें तो भाई गोदावरी तो आपको बता चुका हूँ, त्रिंबक के पठार से निकलती है, त्रिंबक से निकलती है मेरे दोस्त। और कावेरी ब्रह्मगिरी से निकलती है मेरे दोस्त, ब्रह्मगिरी से निकलती है कौन सी? कावेरी। और कृष्णा महाबलेश्वर आपको बता चुका हूँ, महाबलेश्वर याद रखिएगा, महाबलेश्वर याद रखिएगा, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। चले गाइस आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? महाभियोग पूछ रहा है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? बताएं फटाफट गाइस जवाब दीजिए दोस्तों, क्या आपका प्रयास करेगा इसका उत्तर, आपका अटेम्प्ट लीजिए दोस्तों, क्या उत्तर आपका कोशिश करेगा इसका उत्तर, आपका जवाब दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वॉज इम्पीच्ड? क्या होता है गाइस? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड मिंटो। बिल्कुल सही, वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा, सेकंड याद रखिए, बार बार पूछता है सेकंड एंग्लो, याद रखिए बार बार पेपर में पूछता है, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर इसी के समय में हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो भारतीय सिविल सेवा का पिता कहा जाता है, सिविल सेवा याद रखिए, सिविल सेवा का पिता कहा जाता है किसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। और यही लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसने स्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी, स्थाई बंदोबस्त की भी शुरुआत इसी समय हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो याद रखिएगा, जो लॉर्ड वेलेस्ली है इसी ने सहायक संधि की शुरुआत की थी, सहायक संधि, गाइस ये क्वेश्चन बाबा पूछता है। और इसी लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का टाइगर कहते हैं, याद रखिएगा, बंगाल का टाइगर भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। और लॉर्ड मिंटो के समय बात करें तो 1813 का याद रखिएगा, 1813 का चार्टर एक्ट पास हुआ था इसके समय में, जिसमें 1,00,000 रुपए शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई थी। चलिए गाइस, तो इसका आंसर तो वॉरेन हेस्टिंग्स है, खुला ओपन आंसर बता दिया सबने। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, मिलिट्री डायरेक्ट्स वेबसाइट द्वारा जारी अध्ययन के अनुसार किस देश की सेना विश्व में सबसे शक्तिशाली सेना है? बताएं क्या तो आपका? मिलिट्री डायरेक्ट्स के अकॉर्डिंग विश्व में सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना। जवाब दें क्या उत्तर है आपका, प्रयास करें गाइस, कोशिश करते चलिए, जवाब देते चलिए, क्या उत्तर है गाइस? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, भाई प्रयास तो कर दीजिए, कम से कम प्रयास तो करिए, कोशिश तो करिए मेरे दोस्तों, फटाफट जवाब दीजिए गाइस, क्या उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? भाई प्रयास करिए फटाफट, चलिए जल्दी प्रयास करना शुरू करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर देना शुरू करिए दोस्तों, फटाफट आंसर देना शुरू करिए। बिल्कुल सही गाइस, चाइना इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, चाइना इज द राइट आंसर। आकाश खेर जी, आपने अमेरिका जवाब क्यों दिया है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अशुभम रॉय ने जवाब बिल्कुल सही दिया है, गुल्लू बाबू ने जवाब नहीं दिया अब तक, और मोइन सबका जवाब सही आ रहा है, लगभग सबका सही आ रहा है, सबका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है,
बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, आपने सवाल बिल्कुल सही दिया दोस्तों, बिल्कुल सही दिया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? जवाब दे दीजिए, क्या उत्तर है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओजोन लेयर फाउंड ऑन, बताएं, आइनोस्फेयर, क्षोभ मंडल, या आइनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड मध्य मंडल, यानी कि गाइस मीसोस्फेयर। बताएं, अगर हम आयन मंडल की बात करें तो गाइस आयन मंडल में इसे थर्मोस्फीयर भी कहते हैं, आयन मंडल को थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है, थर्मोस्फीयर गाइस, थर्मोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पर रेडियो वेव्स गाइस, याद रखिएगा, रेडियो वेव्स जो हैं के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रोपोस्फीयर में बात करें तो वेदर फेनोमेना इसी में होती है, जो वेदर फेनोमेना होता है, जो भी मौसम, वेदर फेनोमेना यानी मौसमी गतिविधियां इसी में होती हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन्स पाया जाता है, जिसका काम है अल्ट्रावायलेट रेज गाइस याद रखिए, अल्ट्रावायलेट रेज से अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और मीसोस्फीयर में बात करें तो इसी स्फीयर में मेटियोरिट्स, याद रखिएगा, मेटियोरिट्स जो होते हैं इसी में आकर जलते हैं, यानी उल्कापिंड जो हैं इसी मध्य मंडल में आकर जलते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल सी, आंसर बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चों, सी आंसर बिल्कुल सही है। बताएं, निम्न में से राज्यसभा के कितने सदस्य दो वर्ष में रिटायर हो जाते हैं? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा इसका। तो आपका, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग राज्यसभा मेंबर्स रिटायर इन टू ईयर्स? भाई राज्यसभा में कितने सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद रिटायर हो जाते हैं हर दो दो साल में? अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का प्रोविजन आर्टिकल गाइस 80 में किया गया है, याद रखिए। इसमें मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम मेंबर जो हैं मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, 250 सदस्य हो सकते हैं। और प्रेजेंट में कितने हैं मेरे दोस्तों? तो प्रेजेंट में इसमें 245 सदस्य हैं, जिसमें 238 याद रखिए इलेक्टेड हैं, 238 क्या इलेक्टेड याद रखिएगा, और 12 क्या हैं गाइस, नहीं, इसमें 233 इलेक्टेड हैं, 245 में 233 इलेक्टेड हैं और 12 नॉमिनेटेड हैं याद रखिएगा, 12 क्या है नॉमिनेटेड हैं याद रखिएगा, ठीक है। इसमें जो है 238 जो है इलेक्टेड होते हैं याद रखिएगा, ठीक है। और अगर बात करें तो 12 क्या होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं याद रखिएगा, नॉमिनेटेड जो हैं गाइस कितने होते हैं? 12 होते हैं, कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा के क्षेत्र से। तो इसका आंसर क्या टिक किया है आप लोगों ने, क्या टिक किया है बताइए? 1/3 बिल्कुल सही, तो अगर 1/3 है तो बिल्कुल सही है, 1/3 है तो बिल्कुल सही है गाइस, बिल्कुल सही। किस तीव्रता पर श्रवण शक्ति में ह्रास होने लगता है बताएं? एट व्हाट इंटेंसिटी डज द हियरिंग पावर बिकम डिप्रेस्ड? जवाब दें, प्रयास करें। जो 12 सदस्य जो होते हैं ना राज्यसभा के, वो कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। सर मिल्क प्लस प्रोटीन पाउडर पी रहा हूँ, फुल इम्यूनिटी स्ट्रांग कर रहा हूँ। अच्छा भाई, कमलेश जी कह रहे हैं कि दूध डेली पी रहे हैं और अपनी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं। आंवले का जूस भी पीते रहना, आंवले का जूस पीजिए और डेली काढ़ा पीजिए। ये मिल्क विल कुछ काम देने वाला नहीं है, पाउडर ऑर्डर का समझ में आ रहा है, काढ़ा जाकर पियो तुलसी का, क्लियर, लौंग इलायची और तुलसी का काढ़ा पियो, इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर लो, ठीक है। और आंवले का जूस पियो और नीम की पत्तियां खाओ, नीम की पत्तियां, चलेगा इस? बिल्कुल सही, 90 decimal इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही गाइस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा राजसूची के विषय पर विधि बना सकती है बताएं? क्या तो गाइस, फटाफट जवाब दीजिए। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन द राज्यसभा मेक ए लॉ ऑन सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट? क्या उत्तर गाइस, जवाब दीजिए, प्रयास करिए, कोशिश करिए, अटेम्प्ट लें। क्या उत्तर है आपका? राजसूची के विषय पर कानून बना सकती है किस आर्टिकल के तहत? तो बिल्कुल सही, आर्टिकल 249 कहता है कि राज्यसभा राजसूची के विषय पर कानून का फॉर्मेशन कर सकती है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249। याद रहे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप में ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसने अब तक लाइक नहीं किया है तो मेरे दोस्त लाइक कर दीजिए भाई। और प्यारे दोस्त, अगर आप में से किसी ने शेयर नहीं किया है तो भाइयों शेयर कर दीजिए गाइस, फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए।
भारत की पहली महिला तलवारबाज जो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई हैं, निकोला जानोटी एंड भावना देवी, जेसिका कोर्बी, इनमें से कोई नहीं बनाए। इंडियाज फर्स्ट वुमेन तलवारबाज हु क्वालिफाइड फॉर ओलंपिक टोक्यो, बनाए। जवाब दीजिएगा इसका उत्तर होना चाहिए 27 का क्या उत्तर गाइस? बिल्कुल सही, भवानी देवी। बिल्कुल सही गाइस, भवानी देवी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, भवानी देवी इज द राइट आंसर। राइट आंसर बिल्कुल सही। चलिए गाइस, बिल्कुल सही गाइस। चलिए, हाँ शुभम भाई ने बिल्कुल सही कहा, दूध पियो दूध पियो दूध पियो। चलिए, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी बताएं? 1945, 46, 51, 47। व्हेन वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड मॉडर्न कंप्यूटर? क्या होता है गाइस? जवाब दीजिए, क्या उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? 28 का जवाब दीजिए गाइस। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी दोस्तों? आधुनिक कंप्यूटर कह रहा दोस्तों, बता दो यारो क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग भाई? क्या उत्तर लेकर बताओगे? फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, 1946 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चार्ल्स बेविस को कंप्यूटर का खोजकर्ता माना जाता है और आधुनिक कंप्यूटर खोज 1946 में हो गई थी। बिल्कुल सही। चले, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? हाउ मैनी मेंबर्स कैन बी इन लोकसभा? 550, 552, 551, 553। जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें। क्या उत्तर है आपका? कोशिश सब लोग करेंगे गाइस। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 550, 552, 551, 553। बताएं। बिल्कुल सही गाइस, अगर आंसर की बात करें तो बिल्कुल 550 इज द राइट आंसर, क्योंकि दो एंग्लो इंडियन को हटा दिया है। एंग्लो इंडियन को हटा दिया ना, एंग्लो इंडियन को हटा दिया है कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? तो 104th अमेंडमेंट के द्वारा एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। इस अकॉर्डिंग अब 550 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन गाइस, किस राज्य में सड़क किनारे धार्मिक स्थानों को हटाने का आदेश जारी किया गया है? भाई बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है ये क्वेश्चन। विच स्टेट हैज बीन ऑर्डर टू रिमूव रिलीजियस प्लेसेस अलोंग द रोड? जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें। क्या उत्तर है आपका? फटाफट जवाब दीजिएगा, इसका उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। प्रयास करते चले दोस्तों, फटाफट गाइस प्रयास करते चलिए, जवाब देते चलिए प्यारे दोस्तों। क्या उत्तर है आपका? कोशिश करें गाइस, फटाफट जवाब दिए दोस्तों। क्या उत्तर चाहिए? धार्मिक। बिल्कुल सही गाइस, बिल्कुल सही। क्या बात है, उत्तर प्रदेश का राइट आंसर। बिल्कुल सही, आप लोगों ने तो यार कसम से आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर यही स्थिति रही और इसी तरह से जवाब देते रहे तो यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी प्यारे दोस्तों, सफलता आपके कदम चूमेगी। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? When is World Earth Day celebrated? जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें। क्या होता है आपका? फटाफट गाइस जवाब दीजिए दोस्तों, फटाफट गाइस। देखिए एक एक बच्चा जवाब देते चलिए, जितना जल्दी हो सके जवाब दीजिए। 31वें का क्या उत्तर है आपका? 31वां कह रहा है, 31वें का जवाब दे दीजिए गाइस। क्या उत्तर है आपका? 31 का क्या उत्तर है? देखिए अब तक आया नहीं जवाब, आया नहीं अब तक। सर मेरी बात सुनिए, अंजलि जी सुनाइए, क्या सुनाना चाहती हैं? योगी जी मजबूत सीएम हैं। अच्छा, शुभम का कहना कि योगी जी बहुत मजबूत हैं। अरे भाई योगी जी बहुत मजबूत हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो 22 अप्रैल टिक कर दीजिए, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल सही, 31वें का बी इज द राइट आंसर। राइट आंसर, राइट आंसर, बिल्कुल सही गाइस। अगला क्वेश्चन गाइस, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? क्लियर? अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लागू है, आर्टिकल 352 याद रखिए, अगर आर्टिकल 352 प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया जाए तो एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा? एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, चार वर्ष, बता दीजिए। बिल्कुल सही गाइस, बिल्कुल सही, वन ईयर इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। ठीक है सर, अविनीता गुप्ता फर्स्ट इंडियन वुमेन, अच्छा ठीक है। 10 मार्च को गूगल ने सैटेलाइट मैन ऑफ द इंडिया का डूडल सजाया। सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया का डूडल सजाया, कौन है यह व्यक्ति? एपीजे कलाम, विक्रम साराभाई, उडुपी रामचंद्र राव, होमी जहांगीर भाभा। जवाब दे दीजिए, प्रयास कर दीजिए, कोशिश कर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल गाइस, प्रयास करते चलिए, जवाब देते चलिए प्यारे दोस्तों। क्या उत्तर आपका? बताएं फटाफट गाइस, सैटेलाइट मैन ऑफ द इंडिया का डूडल सजाया, बताइए। बिल्कुल सही,
उडुपी रामचंद्र राव इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मेरे दोस्तों. 33वें का सी इज द राइट आंसर. राइट आंसर. अगला क्वेश्चन, निम्न में से फलों को मीठा स्वाद किसके कारण होता है, यानी फल जो होते हैं, हम जो फल खाते हैं फल के लिए, वो किसके कारण से मीठा लगता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द स्वीट टेस्ट ऑफ फ्रूट्स. बताइए भाई क्या उत्तर है आपका. प्रयास तो करिए, अरे कोशिश तो करिए, जवाब तो दीजिए. क्या उत्तर है आपका. राइबोस, लैक्टोस, फ्रक्टोस, मल्टोस. क्या उत्तर है गाइस, फटाफट जवाब दें. प्रयास करेंगे इसका उत्तर आपका. निम्न में से फलों का मीठा स्वाद किसके कहां से लगता है. बिल्कुल सही, फ्रक्टोस इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही, फ्रक्टोस के कारण मीठा लगता है. अगला क्वेश्चन गाइस, सर कब से स्टार्ट होगी यूट्यूब पे. अरे सीटेट की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट होगी सर. सी क्या कह रहा है, सेट समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं ये. बिल्कुल चले. निम्न में से किस क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है. कह रहा है कि भाई जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर, ऑल ऑफ द अबव. भाई कह रहा है किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक पूछा है. सर्वाधिक कह रहा, पहली बात तो समझ लीजिए, सर्वाधिक कह रहा है, इसलिए आंसर सोच समझ के देना. बिल्कुल सही, टेरिटरी सेक्टर इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही, तृतीय क्षेत्र का, यानी कृषि. पहला है कृषि क्षेत्र, ये नोट कर लीजिए. दूसरा है भाई उद्योग, और तीसरा है भाई सर्विस. ठीक है, सेवा क्षेत्र है तीसरा. ठीक है, तो तीसरे का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है दोस्तों, याद कर लीजिए. अगला क्वेश्चन गाइस, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के स्थापित करने की घोषणा किसने की थी. अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. हु अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री एडार्ड फिलिप, एंड प्रधानमंत्री सिंजो ओबे, एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री रानिल विक्रमा सिंघे. क्या उत्तर गाइस, फटाफट जवाब दीजिए. एनआरसीईटी की प्रिपरेशन कब स्टार्ट होगी यूट्यूब पे. आयुष कुमार, जब गवर्नमेंट अनाउंस कर देगी तब से स्टार्ट करवाना शुरू कर दूंगा. इसका 36वें का जवाब दीजिए पहले तो. क्या उत्तर है आपका. प्रयास करें. बिल्कुल सही गाइस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस किया था. नोट कर लीजिए दोस्तों, 36वें का सी इज द राइट आंसर. मानव निर्धरता सूचकांक किस वर्ष मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इन विच ईयर वॉज द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स प्रेजेंटेड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. क्या होता है गाइस, जवाब दीजिए. प्रयास करेगा इस बेटा, प्रयास करो बेटा, एक एक बच्चा प्रयास करो. क्या उत्तर है आपका. ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कब शामिल किया गया. बिल्कुल सही, सी टिक कर दीजिए. 1997 इज द राइट आंसर. अगर याद रहे, पेपर में अगर क्वेश्चन पूछता है, 1997 याद रखना, टिक करके आना है. ठीक है, 1997 टिक करके आना, इस चीज का याद रखना दोस्तों. अगला क्वेश्चन गाइस, ध्यान से पढ़िए, जवाब दीजिए. दिल्ली सरकार ने किस नाम से अपना शिक्षा बोर्ड बनाने की मंजूरी दी है. अब दिल्ली सरकार जो अपना शिक्षा बोर्ड बना रही है, तो ये भी जवाब दे दीजिए. क्या उत्तर चाहिए आपके अकॉर्डिंग. शिक्षा बोर्ड बना रही है कौन, दिल्ली सरकार. तो भाई जवाब तो बनता है ना, बताइए भाई क्या उत्तर है आपका. फरोगास, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन. क्या बात है, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही. वैसे भी अगर देखा जाए तो दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. केजरीवाल के आने के बाद जो है और अच्छा हो गया है. मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, हकीकत है और ये हकीकत है. चले गाइस, अगला क्वेश्चन जवाब दीजिए. क्या उत्तर है आपका. कह रहा है दक्षिण भारत के किस सुपरस्टार को 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार. भाई ये तो पूछ दिया ना, ये तो पूछ दिया, ये तो पेपर में आ गया ना. क्लियर. देखिए CHSL, देखिए बच्चों मैं आपको रियल बता रहा हूं, मैंने जितना कराया है, जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आए थे. इससे आप इनकार नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते. जितना कराया प्रैक्टिस, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पकड़वा दिया था. बताएं, कमल हसन, रजनीकांत, नागार्जुन, प्रभास. क्या होता है गाइस, जवाब दिए दोस्तों. क्या होता है आपका. प्रयास करेगा इसका उत्तर चाहिए आपके ऑर्डिंग. फटाफट जवाब दीजिए. बिल्कुल सही, रजनीकांत इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही, रजनीकांत इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही. गाइस अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रक है. बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोलर ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन इंडिया. प्रयास करिए, प्रयास करिए भाई. क्या उत्तर है आपका. मुद्रा एवं साख का नियंत्रक कौन है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड भारतीय जीवन बीमा। बताइए भाई क्या उत्तर है आपका। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इससे तो आसान हो ही नहीं सकता मेरे दोस्त। बताइए भाई क्या उत्तर है आपका। बिल्कुल सही गाइस, सीबी इज द राइट। मुद्रा सा कह रहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, क्लियर है भाई। आरबीआई जो है मनी मार्केट मुद्रा बाजार के नियंत्रक इकाई है, मुद्रा बाजार के नियंत्रक इकाई है। और ये शेयर बाजार की, याद रखिएगा, ये शेयर बाजार की है। शेयर बाजार की कौन सी है तो आपका गाइस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया शेयर बाजार की है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मनी मार्केट की एज ए रेगुलेटरी बॉडी के रूप में काम कर रही है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, सेरविक सम्मेलन 2021, सेरविक सम्मेलन 2021 में किस भारतीय को सेराविक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार दिया गया है। भाई जवाब दे दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर है आपका सेरविक सम्मेलन 2021 में। ठीक है, विच इंडियन वॉस अवार्डेड द सेरविक एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड इन सेरविक कॉन्फ्रेंस 2021। जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें। क्या उत्तर है आपका, नरेंद्र मोदी, चंडी प्रसाद, पार्टी ग्रेग गोरी एंड सुनीता नारायण। 40 का क्या उत्तर गाइस, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए बिल्कुल सही, नरेंद्र मोदी जी, बिल्कुल सही, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है, याद रखना। जहां पे मिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम आ जाए उसको तो घोट घोट करके याद करना है, घोट घोट करके उसको रट जाना है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन गाइस, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना की आर्थिक विकास दर सर्वाधिक थी, दूसरी, तीसरी, नौवीं और दसवीं। जवाब दीजिए, क्या तो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइव ईयर प्लान हैड द हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। बनाएं, दूसरी, तीसरी एंड नौवीं एंड साथ साथ में आपसे कह रहा है दसवीं। जवाब दीजिए, क्या तो है आपका, फॉर गाइस, बिल्कुल सही गाइस, आपको नाम से लग रहा है 10th फाइव ईयर प्लान इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, 7.9% के साथ गाइस 10वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दर सर्वाधिक रही थी। फटाफट जवाब दीजिएगा इस, फटाफट जवाब दीजिएगा इसका उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। भाई प्रयास करिए, प्रयास करिए, प्रयास करिए, क्या उत्तर है आपका, जवाब दीजिए। आर्थिक विकास दर सर्वाधिक थे, 10वीं पंचवर्षीय योजना इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है। बताएं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात, व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर सेंसस रिपोर्ट 2011, 1942, 1943, 1944, 1945। बताएं क्या उत्तर होगा गाइस, जवाब दीजिए, क्या उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है। बिल्कुल सही गाइस, 1943 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। चलिए गाइस, प्यारे दोस्तों 42 क्वेश्चन करा चुका हूं इतना तेजी से, और आपको हर एक क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से कराता हूं गाइस। प्यारे दोस्तों, अगर आप में से किसी बच्चे ने अब तक लाइक नहीं किया तो भाई लाइक करते चलिए। और प्यारे दोस्तों, अगर आप में से किसी बच्चे ने शेयर नहीं किया भाई तो शेयर कर दीजिए गाइस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर है। इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में, इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर कौन है। बताएं, पुणे, शिमला, बेंगलुरु, नैनीताल। क्या उत्तर दोस्तों, बताइए भाई क्या उत्तर आपका। फॉर गाइस, 43 का क्या उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। बिल्कुल सही, बेंगलुरु इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही दोस्त, बिल्कुल सही, बहुत सही जवाब आ रहा है। बिल्कुल सही गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी इज आर्टिफिशियल, कह रहा है, निम्न में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम है। ये भाई बहुत बार पेपर में आता है, बहुत बार पेपर में आ चुका है, यकीन मानिए बहुत बार पूछा हुआ है, कृत्रिम करेंसी कौन सी है, SDR, IMF, IBRD, IFC। बताइए भाई क्या उत्तर है आपका। बिल्कुल गाइस, स्पेशल ड्रॉविंग राइट जो IMF के द्वारा जारी किया जाता है, इसी को कृत्रिम करेंसी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ, कह रहा है, सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2021 किसने जीता। हु वॉन द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामास गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2021। नोमैडलैंड, मा राइनी ब्लैक, थे लाइफ अहेड, द ट्रायल ऑफ थे शिकागो। बताएं क्या तो आपका, प्रयास करेगा इसका तो आपका। 45वें का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, 45 का क्या उत्तर है आपका, बताएं। बिल्कुल सही गाइस, नो मेड लैंड इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, देखिए बहुत, अनीता शर्मा का भी जवाब सही है,
शुभम रॉय का गलत हो चुका है, आयुषी कुमारी का ए बिल्कुल सही है, खेसारी लाल का सही है, यश का सही है और रॉडी का भी बिल्कुल सही है, और कमलेश शर्मा का जवाब बिल्कुल सही है, और गरिमा चौधरी का भी बिल्कुल सही है, और अजय तमंग का भी जवाब बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही गाइस, चलिए बहुत अच्छा जवाब कर रहे हैं आप लोग। भारत में आयोडीन अल्पत्ता विकार नियंत्रक कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, बताएं। इन विच ईयर आयोडीन डिफिशेंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ, गलती नहीं करना। 60, 62, 70 क्या उत्तर है बताएं, फर्क जवाब दीजिए दोस्तों, फर्क जवाब दीजिए। आयोडीन अल्पत्ता विकार कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, 1960, 1962, 1970 क्या उत्तर गाइस? बिल्कुल सही गाइस, 1962 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसने अब तक लाइक नहीं किया हो मेरे दोस्त, तो लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए प्यारे दोस्तों। और प्यारे दोस्तों, अगर आप में से किसी बच्चे ने अब तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए दोस्तों, फटाफट लाइक एंड शेयर करते चलिए, लाइक एंड शेयर करते चलिए प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी विलय करके नाम रखा गया है। भाई ये क्वेश्चन नहीं आया था लेकिन आ सकता है, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को अब विलय कर दिया गया है और नया नाम क्या रखा गया है, तो राजनीतिक टीवी, संसद टीवी, पार्लियामेंट टीवी एंड राजलोक टीवी। बताएं क्या होता गाइस, यानी लोकसभा टीवी को और राज्यसभा टीवी को अब एक कर दिया गया है भाई, और नया नाम क्या रखा गया है, कुछ तो बताइए। बिल्कुल सही, संसद टीवी यानी पार्लियामेंट टीवी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, संसद टीवी, पार्लियामेंट टीवी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन गाइस, एचआईवी संक्रमण की जांच की जाती है, यानी देखिए यही क्वेश्चन था जो सीएचएसएल में पूछा था और आपको करा चुका था आपको सीएचएसएल में, यही क्वेश्चन आया था सेम, एचआईवी संक्रमण की जांच की जाती है, एलिसा टेस्ट, बताइए पूछा था ना, एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉड टेस्ट, एचआईवी वीपी 24 एंटीजोन और उपरोक्त में से सभी, जवाब दें क्या उत्तर है आपका, बिल्कुल गाइस जवाब दीजिए, बिल्कुल गाइस उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर आपको मेरा बारात चलना है, अरे भाई बारात वारात छोड़ भाई, कोरोना वैसे ही इतना ज्यादा खतरनाक है, शादी वादी करना कैंसिल कर दो, इस साल तो शादी करना ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन गाइस, किस मंत्रालय द्वारा मैरीटाइम इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, मैरीटाइम इंडिया सम्मेलन पूछ रहा है, बताइए क्या उत्तर है आपका, विच मिनिस्ट्री कंडक्ट्स मैरीटाइम इंडिया कॉन्फ्रेंस, क्या होता है दोस्त बताइए भाई, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, बंदरगाह पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत और पर्यावरण मंत्रालय, जवाब देगा इसका उत्तर आपका, भाई प्रयास करते चलिए दोस्तों, क्या उत्तर होगा गाइस, फटाफट जवाब दीजिए। देखिए मैं खुद आप तो शेयर करेंगे नहीं, तो भाई मैं शेयर कर रहा हूँ, करना पड़ेगा, आप तो शेयर करते नहीं है, क्लियर, दो चार बच्चा शेयर करता है, बाकी तो शेयर करते नहीं है। अगर आप चाह लें तो रातों रात मैं सेलिब्रिटी बन सकता हूं भाई, मैं सेलिब्रिटी बन सकता हूं, अगर आप चाह लें बस शेयर कर दीजिए, दबाकर शेयर कर दीजिए, जहां जहां कर सकते हैं दबाकर शेयर करिए गाइस, देखे रातों रात सेलिब्रिटी, बिल्कुल गाइस आपके ऊपर डिपेंड करता है, शेयर जरूर करें। बताएं क्या तो आपका, मैरीटाइम इंडियन कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अरे भाई मजाक कर रहा था, ठीक है चलिए चले गाइस आगे बढ़ते चलें। अगला क्वेश्चन गाइस, निम्न में से किसका प्रयोग एड्स के उपचार के लिए किया जाता है, देखिए अब की बार मैंने पूछा है कि एड्स के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, एजिडोथाइमिडिन, एंटी रेट्रोवायरल एंड माइकोब्यूटॉल एंड एंट्रोनिस, जवाब दे क्या उत्तर है आपका, अब की बार भाई गलती नहीं करना, देखिए मैंने कुछ सोच समझ के सेट किया है भाई, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, कुछ सोच समझ के मैंने इसमें किया है, कुछ इसमें लॉजिक दिया है, गलती मत कर देना। एड्स के उपचार के लिए किया जाता है, एजिडोथाइमिडिन, एंटी रेट्रोवायरल, माइकोबिटॉल, एंट्रोनिस, क्या होता है गाइस जवाब दीजिए, क्या उत्तर है दोस्तों, प्रयास करिए भाई क्या उत्तर होना चाहिए, देखते कौन जवाब देता है। गरिमा चौधरी का बी, सीएम का आंसर ए, देखिए अब की बार सीएम फंसेंगे अब की बार, साक्षी यादव का डी, ज्योति पटेल का ए, अमित कुमार का ए, संजीत एम्पायर का ए, ठीक है,
और साथ साथ में अंजलि का आंसर ए, जबकि अब की बार आंसर है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। याद रखिएगा एंटी रेट्रोवायरल। मैंने यहां पर बहुत नजदीक आंसर सेट किया था अब की बार, देखा नहीं मैंने क्या दवाई पूछी थी, क्या मैंने आपसे दवाई पूछा? मैंने आपसे दवा का नाम नहीं पूछा था, मैंने आपसे पूछा था किसका प्रयोग एड्स के उपचार के लिए किया जाता है, तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का यूज किया जाता है। बी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिए। गाइस आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता को एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किया है? बिल्कुल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जवाब दीजिए क्या उत्तर है आपका, बताएं। विच इंडियन सोशल वर्कर हैज बीन अवार्डेड एंटी करप्शन अवार्ड बाय यूएसए? बताएगा इसका उत्तर आपका, फटाफट जवाब दीजिए, प्रयास करेगा इस। कैलाश सत्यार्थी, लक्ष्मी अग्रवाल, अंजलि भारद्वाज एंड कृति भारती, जवाब दें, बताएगा इसका उत्तर आपका, फर्क है जवाब दीजिए दोस्तों, फर्क गाइस। अब की बात सीएम का आंसर गलत हुआ है, बिल्कुल सीएम का आंसर बिल्कुल गलत हुआ है। सर प्लीज बता दीजिए एसएससी बैंक रेलवे के महापैक का फायदा क्या है, इसमें क्लास हिंदी में चलती है? हाँ प्रखर मिश्रा, बिल्कुल चलती है भाई, प्रखर मिश्रा बिल्कुल चलती है, जाकर महापैक परचेस कर लेना। अगर महापैक परचेस करोगे तो सबसे ज्यादा फायदे में रहोगे, याद रखना। और कोड याद रख लीजिएगा Y242, प्रखर भाई Y242 का कोड लगा कर तुरंत जाके परचेस करें। बिल्कुल सही गाइस, सी इज द राइट आंसर, अंजलि भारद्वाज इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन गाइस कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी थेरेपी एड्स के उपचार के लिए प्रयुक्त की जाती है? अब की बार देखिए मैंने थेरेपी पूछा है, ठीक है, जो पीछे पूछा था अब की बार मैंने लिख कर दे दिया ताकि भाई कभी कंफ्यूज ना करें आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेपी इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, एड्स के उपचार के लिए कौन सी थेरेपी यूज की जाती है? अब की गलती नहीं करना, कीमोथेरेपी, एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी एंड आराम थेरेपी, और उपरोक्त में से कोई नहीं, बताएं। सर आपको मेरा गद्दी में अब पता नहीं क्या कह रहा है, देखिए कौन सी थेरेपी का यूज करते हैं गाइस, बता फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल देखिए अब की बार गलती तो बिल्कुल नहीं होगा, मुझे पता है एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी इज द राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सही। अब की बार सीएम ने बिल्कुल गलती नहीं किया है और सब बच्चों ने जवाब बिल्कुल सही दिए। मुरारी मिश्रा का भी जवाब सही है, मुरारी मिश्रा का स्वागत करिए सब लोग, ये नया बच्चा है, मुरारी मिश्रा का स्वागत करिए सब लोग। चले गाइस कौन सा थेरेपी, तो गाइस एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। देखिए बहुत सारे बच्चे का, अरे भाई कीमोथेरेपी क्यों यूज कर रहा है यार, कैंसर का उपचार पूछा है, अरे मैंने कैंसर का उपचार पूछा जो कीमोथेरेपी बार बार टिक कर रहे हो, बताएं। 2021 में सबसे पहले किस देश में बर्ड फ्लू वायरस का पशुओं से इंसानों में संक्रमण का पहला केस आया है? यानी कह रहा है कि 2021 में सबसे पहला किस देश में बर्ड फ्लू वायरस का पशुओं से इंसानों में संक्रमण का पहला केस आया? इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट केस ऑफ बर्ड फ्लू वायरस इन्फेक्शन फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस फर्स्ट ऑकर्ड इन 2021? जवाब दे दीजिए क्या उत्तर है आपका, बिल्कुल सही गाइस, बिल्कुल सही, रशिया इज द राइट आंसर बच्चों, रशिया इज द राइट आंसर। इस मानव ने सही में ना ऐसा क्रिएट कर दिया है कि स्वयं जो है हम उसकी चीज को भुगत रहे हैं, ये मानव की करनी है ये कोरोना वायरस, ये मानव की करनी है ये ब्लड फ्लो, हर चीज मानव की करनी का ही ये परिणाम है। चले गाइस बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है मेरे दोस्तों, नहीं पूछा है। Which of the following pairs is not correctly matched? बताएं क्या तो आपका, देखिए भाई एक तरफ खोज करता है, दूसरी तरफ नहीं, पहला खोज है और दूसरी तरफ जो खोज करता है, ठीक है, हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बोनार्ड, चेचक अटिक्का एडवर्ड जेनर, पेंसिलिन एलेक्सेंडर फ्लेमिंग, डीएनए यूरिन कॉलमेट, बताएं क्या तो आपका, प्रयास करें गाइस। स्वागत है अदब, बिल्कुल स्वागत है, सबका स्वागत है भाई, सबका स्वागत है। चलिए अड्डा से वायरस फैल रहा है, अरे अड्डा से किसी को वायरस नहीं फैल रहा भाई, किसी को वायरस नहीं फैल रहा है, अड्डा वालों से कोई वायरस नहीं हो सकता क्योंकि सब दूर दूर हैं। चलिए बिल्कुल सही, डीएनए यूरिन कॉलमेट ये मैचिंग नहीं करता है क्योंकि वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया है। गाइस अगला क्वेश्चन, 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन यार, ये पेपर में तो बिल्कुल आ सकता है। हु इज
हेडिंग द ब्रिक्स इन 2021? जवाब दें चीन, भारत, ब्राजील, रशिया। क्या होता है दोस्तों भाई, इस बार ब्रिक्स 2021 का अध्यक्ष किसके पास है, अध्यक्षता किसके पास है दोस्त, बताइए। बिल्कुल सही, भारत इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, भारत इज द राइट आंसर। राइट आंसर प्यारे दोस्तों, अगर आप में से, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं भाई, फिर से एक बार रिपीट करना पड़ रहा है, अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा जिसने लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो लाइक कर दीजिए। और प्यारे दोस्तों, अगर आप में से किसी बच्चे ने शेयर नहीं किया है, शेयर नहीं किया बच्चों, तो शेयर कर दीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलेगा इस अगला क्वेश्चन, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा गया है। अब की बार गलती नहीं होनी चाहिए, पिछली बार आपने नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दी थी। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे लोकेटेड, बताएं, अलाहाबाद, सिकंदराबाद, गुवाहाटी, जयपुर। क्या उत्तर गाइस बताएं, उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर पूछा है दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर। भाई टोटल जोन जो है आपको बता चुका हूं, टोटल जोन 18 है, आपको 18 रेलवे जोन याद करने हैं, किसी भी तरह से याद करें, करने जरूर पड़ेंगे आपको, और करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा आपको, किसी तरह से भी याद करने, लेकिन याद करना ही पड़ेगा, बताएं। बिल्कुल सही गाइस, इलाहाबाद, इलाहाबाद इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, और इस इलाहाबाद को प्रयाग कर लीजिए मेरे दोस्तों, अब राइट नाउ इसे प्रयाग कहा जाता है। बिल्कुल सही गाइस, अगला, भारत का पहला राज्य जिसने पेपरलेस बजट पेश किया है, बताएं, द फर्स्ट स्टेट इंडिया टू प्रेजेंट ए पेपरलेस बजट। जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, क्या उत्तर होगा आपका, भारत का पहला राज्य जिसने पेपरलेस बजट पेश किया है, महाराष्ट्र एंड गुजरात, उत्तर प्रदेश, और साथ साथ में मणिपुर, और साथ साथ में गाइस चार ही ऑप्शन है, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बताएं। मैं कुछ ज्यादा ही भावुक हो जाता हूं आप लोगों के साथ, बताएगा इसका तो आपका पेपरलेस बजट। बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। अपने योगी बाबा, अपने योगी बाबा ने गाइस पेपरलेस बजट पेश किया, ये भारत का पहला राज्य है, अपने आप में सबसे जबरदस्त। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस महासागर में अंग्रेजी वर्णमाला एस का आकार है, बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस हैज द शेप ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट एस। क्या होता है दोस्तों, बताइए भाई, क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बताइए दोस्तों क्या होना चाहिए, अल्फाबेट एस कह रहा है, अल्फाबेट एस, अल्फाबेट एस के आकार का कौन सा सागर महासागर है भाई, पता है ना, जवाब दे दो, क्या उत्तर है, अच्छा बताओ, अच्छा एम आकार का कौन है ये बता दो, एम, एम शेप का कौन सा है, जो जवाब दे देगा उसको एक चॉकलेट, एम शेप का कौन सा बताएं, एम शेप का मैं पूछ रहा हूं आपसे, इसका तो आंसर बिल्कुल सही हो गया, अटलांटिक महासागर, बिल्कुल सही है, अटलांटिक महासागर बिल्कुल सही है, और एम शेप का महासागर कौन है बताएं, एम शेप का पूछ रहा हूं, बिल्कुल सही गाइस, बिल्कुल सही, अगर आपने इंडियन ओशियन टिक किया है तो बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों, इंडियन ओशियन एम शेप में है, याद रखना, ठीक है। चलो देखो, किसी ने जवाब नहीं दे पाया है, किसी ने जवाब नहीं दे पाया, चलिए कोई बात नहीं, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा है, बताएं, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गिव वुमेन प्रॉपर्टी राइट, यानी महिलाओं को भाई संपत्ति में अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा, आपके अकॉर्डिंग क्या उतरना चाहिए, एम शेप, सोच रहा है, सोच रहे हैं भाई, अब मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन भी डालने पड़ेंगे। देखिए सार्थक ने जवाब दिया था, सार्थक भाई ने जवाब दिया था, और रॉडी राजा ने जवाब दिया था एम शेप में, खेसारी लाल यादव ने भी जवाब दिया है भाई, क्या बात है, बताइए महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा भाई, बिल्कुल सही उत्तराखंड, उत्तराखंड इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको मैचिंग करना है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, ठीक है, एक तरफ विंड्स हैं, एक तरफ विंड्स हैं और दूसरी तरफ लोकेशन है, ठीक है, एक तरफ विंड्स और दूसरी तरफ लोकेशन, चिनुक, फोन, सिदाको, लू, ठीक है, तो भाई करिए, देखिए अगर लू के लिए बात करें तो हमें तो इंडिया जाना पड़ेगा, ठीक है, और चिनू के लिए हमें यूएसए जाना पड़ेगा, फोन के लिए हमें आल्पस जाना होगा और सिराको के लिए इजिप्ट जाना होगा, तो ए का तीसरा, ए का तीसरा, ए का तीसरा ये रहा, बी का पहला, बी का पहला ये रहा, और सी का चौथा, सी का चौथा ये रहा, तो बिल्कुल सही गाइस, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, ठीक है, तो प्यारे दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अब प्यारे दोस्तों आप सुनते जाइए, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपको बुक परचेस करनी है तो प्यारे दोस्तों ये बुक मात्र 206 रुपये में मिल रहा है, और इसके लिए आपको कोड अप्लाई करना है Y242, याद रखिएगा Y242, ठीक है। अगर प्यारे दोस्तों अगर आपका मीडियम इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में भी ये किताब मात्र 206 रुपये में मिल रही है, बुक है गाइस, ये बुक है, याद रखिएगा ये बुक है, और इसके लिए भी कोड अप्लाई कर दीजिएगा Y242। अगर आपको बुक परचेस करनी है तो Y242
कोड लगाएं, बुक परचेज करें। अगर आपको टेस्ट पैक परचेज करना है दोस्तों, टेस्ट पैक याद रखिएगा, टेस्ट पैक, तो प्यारे दोस्तों ये टेस्ट पैक मात्र 229 रुपये मिल रहा है, जाकर परचेज करें। कोड लगा दीजिएगा भाई, कोड लगा दीजिएगा Y242, याद रखिएगा Y242 कोड लगाएगा, इस आप ये परचेज कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों अगर आप SSC GD याद रखिएगा, SSC GD का, अगर आपको SSC GD का महा पैक चाहिए, महा पैक किसका, SSC GD का, तो प्यारे दोस्तों 1380 रुपये में मिल रहा है, 1380 रुपये मिल रहा है, और इसके लिए भी कोड लगा दीजिएगा Y242 कोड लगाएं, याद रखना दोस्तों Y242 कोड लगा के आप ये SSC GD का महा पैक परचेस कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों अगर आप SSC MTS की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, MTS की, और MTS का महा पैक परचेस करना है दोस्तों, तो मात्र ये भी आपको 1380 रुपये में, 1380 रुपये में महा पैक मिल रहा है दोस्तों, और इसके लिए भी कोड लगा दीजिएगा, कोड लगा दीजिएगा Y242 कोड लगाइए, Y242 कोड याद रखिएगा, और जो भी परचेस करना है Y242 कोड लगाएगा, इस तुरंत परचेस करिए, तुरंत जाकर परचेस करें और हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ जाइए। तो प्यारे दोस्तों फिर से मुलाकात होगी, फिर से मुलाकात होगी कल कितने बजे, 10 बजे रात को, 10 बजे कल हमारी मुलाकात होगी आपसे रात को 10 बजे, 100 क्वेश्चन के साथ मुलाकात करूंगा कल रात 10 बजे। कल 100 क्वेश्चन आएंगे, फास्ट कराऊंगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए बिल्कुल गाइस आप सभी लोग का स्वागत है 100 क्वेश्चन को करने के लिए कल रात को 10 बजे यथा समय पे पधारने का कष्ट करें। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।